ओके, बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के बेसिक तीन एलिमेंट्स कौन से हैं? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल के दो पार्ट कौन से हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड कस्टमर तक जाता है, इनडायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर जाता है बट निग्लिजिबल है या फिर कोर एक्टिविटी से रिलेटेड, तो वो हो गया डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो गया, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोर एक्टिविटी से रिलेटेड, बाकी सब वेरी गुड। उसके बाद अपन आए थे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल। तो अगर मुझे टोटल ओवरहेड में से अगर सिर्फ फिक्स पार्ट निकालना है तो उसके लिए वेरिएबल निकालना पड़ेगा। वेरिएबल का फॉर्मूला, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। इससे क्या मिलेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। उसके बाद अपन आए उसका दूसरा फॉर्मूला, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन सेल्स। इससे क्या मिलेगा? वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज मिल जाएगा। गुड। फिर अपन आए थे वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी ओवरहेड्स अलग अलग फंक्शन के हिसाब से। पहला फैक्ट्री, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। गुड। फिर फैक्ट्री के रिलेटेड जो फैक्ट्री में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिस में होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है। कुछ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अकाउंट्स में होते हैं और कॉस्टिंग में नहीं होते। एग्जाम्पल, डोनेशन, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, बैड डेट्स, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। उसके बाद अपन आए मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, हर बिजनेस को अलग अलग मेथड एप्लीकेबल होगी, उसके हिसाब से तुमको कॉस्टिंग का मेथड लगाना पड़ेगा। जॉब कॉस्टिंग किसके लिए? हर एक काम को अलग अलग। बैच कॉस्टिंग, एट ए टाइम बहुत सारी चीजें बन रही है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक साल से ज्यादा जो चलते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अल्टीमेटली बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यूनिट, सिंगल आउटपुट, दिन रात एक ही प्रोडक्ट बन रहा। ऑपरेटिंग, सर्विस इंडस्ट्री, वेरी गुड। उसके बाद कल एक क्वेश्चन करे थे, चलो एक मिनट, ये कॉस्ट यूनिट दिखेगा, 5-6 पेज पे दिख रहा है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या है? कॉस्ट यूनिट का मतलब जो भी कॉस्ट है, पर कुछ ना कुछ तो निकालनी पड़ेगी। पर केजी, पर यूनिट, पर डजन, ऐसा कुछ। तो अभी जैसा केले लेते हैं तो पर डजन, तरबूज वगैरह कुछ लेंगे पर किलो, जूस पर लीटर, तो वैसा ही मुझे कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी हर बिजनेस की, और वो कुछ ना कुछ एक बेसिस पे रहेगी। जैसे सोप्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह, पर यूनिट, पर नंबर या फिर कार्टन, पर बॉक्स रहेगा। वायर एंड केबल मीटर के हिसाब से, डेयरी ऑब्लिक मिल्क प्रोडक्ट्स लीटर के हिसाब से, गुड ट्रांसपोर्ट टन किलोमीटर के हिसाब से, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से, वुड ऑब्लिक गैस क्यूबिक फीट। ठीक है, ये याद रखो, घर पे जो फर्नीचर के लिए काम के लिए वुड आते हैं वो क्यूबिक फीट के हिसाब से तुमको चार्जेस लगाते हैं। फूड ग्रेन्स क्विंटल, क्विंटल मतलब 100 kg को एक क्विंटल बोला जाता है, यस। और टन 1000 kg। सुगर पर टन, हॉस्पिटल पर पेशेंट डे, एक पेशेंट एक दिन का, अपन वो बोलते ना बेड के हिसाब से लगाते, तो एक बेड के ऊपर कि एक पेशेंट कितने दिन तक, 5 दिन रहेगा तो 5 दिन का बिलिंग होगा। ठीक है, ऑटोमोबाइल पर व्हीकल कितनी गाड़ियां खरीदे। ब्रिक वर्क्स, जनरली अपन ईंट जो खरीदते हैं तो 1000 पर 1000 ब्रिक का लगता है। कितने को पता है रेती जो आती है अपन अभी कंस्ट्रक्शन में, तुम क्या बोलते पता नहीं, वो किस बेसिस पे जाती है रेती? हाँ, ब्रास बेसिस पे। एक ब्रास, दो ब्रास, तीन ब्रास, ब्रा एंड व्हाट इज ब्रास? ओके, कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है ब्रास?
और एक ब्रास कितना रहता? वो सामने वाला जितना दिया उतना रहता। एक ट्रक में एक ब्रास नहीं, एक ट्रक में तीन ब्रास रहता है, ठीक है। कब वो गाड़ी देखेगा, ओपन वाली है, वैसे पीछे से खोल के डालते, तो उसके अंदर तीन ब्रास रहता है, ठीक है। एक वन ट्रक इज इक्वल टू मोर और लेस 3 ब्रास। बिल्डिंग स्क्वायर फीट, अभी तुम फ्लैट वगैरह कुछ भी बुक करते तो स्क्वायर फीट का रेट लगाते हो, 5,000 रुपये स्क्वायर फीट। भाई तुमको कितना बड़ा फ्लैट लेना है? लो सीमेंट टन, पावर किलोवाट आवर्स, ठीक है। पेपर रिम, व्हाट इज रिम? हाँ, अगर तुम कभी पेपर इंडस्ट्री में गए न्यूज़पेपर के वहां पे, तो तुमको दिखाई देगा एक पाइप होता है, उसके ऊपर पूरा पेपर ऐसा जमा करके गोल सर्कल किया रहता है, तो एक बड़ा सर्कल ऑफ पेपर इज रिम। टेक्सटाइल रोड कॉन्ट्रैक्टर्स पर माइल किलोमीटर्स, जो रोड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दी वाले, अभी ये पूरे पर किलोमीटर रहे। बाइसिकल पर नंबर। फार्मास्यूटिकल एक्चुअली अपन खरीदते तो अलग रेट है, पर जो कम दुकानदार खरीद रहा है वो पर 1,000 टैबलेट्स। स्टील पर टन, समझा? तो ये बेसिकली हर एक ये हो गए, बेसिस हो गए। तो उसका क्वेश्चन है, तुमको सोच समझ के लिखो। हाँ, यहाँ पे यूनिट लगाओ, कॉस्ट यूनिट। तुमको क्या लगता है कि पर क्या? कल क्वेश्चन सॉल्व करे इसके बाजू में और उसके नीचे, ठीक है, पहले इतना तो करो, पर यूनिट कॉस्ट यूनिट निकालो उसका। अबे लिख, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहा? झालं नर्सिंग होम, हाँ, पर पेशेंट डे, पर डे। गुड ट्रांसपोर्ट, वेरी गुड। टन किलोमीटर, कितना टन का माल कितना किलोमीटर लेके गए? स्टील पर टन रहे, कोल टन, बाइसिकल, हाँ, यूनिट और नंबर जो भी है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन, क्या मजाक कर रहे?
पर किलोमीटर। गलती से भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में घुसो मत। ब्रिज कंस्ट्रक्शन पर कॉन्ट्रैक्ट। अभी मुझे बोलो हर ब्रिज का सेम रहता क्या? अभी मुझे ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, कोई नदी के 200 फीट दूर ऊपर रहेगा, कोई एकदम नीचे रहेगा, कोई पहाड़ों में रहेगा, मैं कंस्ट्रक्शन को वैसा थोड़ी लगाऊंगा। एक ब्रिज का कॉस्ट निकलता है टोटलिटी पे। रोड का क्या है? सीधा सीधा बनाते जाने का है। इंटीरियर डेकोरेटर, ओके हाँ, पर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बोल। जनरली रियल में कैसा चलता है किसी को पता है? इंटीरियर डेकोरेटर को पैसा कैसे देते हैं? हाँ तू थोड़ा थोड़ा आते आते एकदम करेक्ट लाइन पे आया। हाँ तो फर्नीचर वालों को स्क्वायर फीट के हिसाब से पेमेंट रहता है और इंटीरियर डेकोरेटर को परसेंटेज रहता। तुम्हारे घर पे कितना खर्चा हुआ उस खर्चे का 10% वो मांगता है। हाँ अगर तुम्हारे पहचान तो 8% कर देगा। तो जनरली 8 से 10% ऑफ योर घर का खर्चा। सिविल इंजीनियर घर के खर्चे का 2% लेगा, ठीक है। फर्नीचर वाला कैसे चार्ज करता है? जितना भी हाँ मटेरियल जितना लगा उसका 30%, 35% डिपेंड कि तुमने कितना कॉम्प्लिकेटेड काम करवा के लिया है। तो ये जनरली परसेंटेज पे काम करते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर डेकोरेटर पर कॉन्ट्रैक्ट या फिर परसेंटेज पर रुपी, ऐसा परसेंटेज बेसिस पे भी काम करे। तो एक्चुअली इंटीरियर डेकोरेटर पर कॉन्ट्रैक्ट लिखो यहाँ पे। एडवर्टाइजिंग, हाँ अभी देखो तुम्हारा पेपर है प्रजावाणी, लोकमत, कुछ भी, ये किस पे बेसिस पे लेते रहेंगे? हाँ तो साइज के ऊपर से, स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर टीवी पे है तो सेंटीमीटर पे नहीं रहेगा, टाइम के ऊपर। एक तो स्पेस ऑब्लिक टाइम, तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर पर सेकंड, डिपेंड्स कि तुमने किसके ऊपर ऐड रन की है। अब जैसे होर्डिंग लगाते, होर्डिंग पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, रेडीमेड फर्नीचर, हाँ पर यूनिट, हर यूनिट का एक रेट रहेगा पर यूनिट। सुगर फैट, हाँ पर टन पकड़ो, क्विंटल पकड़ो, किलो पकड़ो, जो भी पकड़ो, समझा? ओके मैच द फॉलोइंग पेयर, बचपन में जैसा करते थे, जोड़ा लगाओ। ओके प्रोसेस, सॉरी उल्टा कल चालू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, ईच कॉन्ट्रैक्ट बराबर जो जॉब का, ईच जॉब बराबर, फिर 1 मिनट, हाँ ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग के लिए मैंने बोला था कि 2 यूनिट लगना जरूरी है। इतने इसमें 2 यूनिट किधर दिख रहे? 2 जगह देगा, पर बेड पर डे, पर टन पर किलोमीटर। अभी ये किधर किधर जा सकता है? तो शांति से इसके लिए 2 ऑप्शन है, 2,6, वेट करते हैं।
प्रोसेस पर टन, एक मिनट, पर ईच, हाँ सिंगल क्या रहेगा, ईच यूनिट, क्योंकि दिन रात उसमें से एक ही चीज निकल रही, प्रोसेस पर टन। अभी मल्टीपल और इसमें कंफ्यूजन हो गया, तो मैंने क्या बोला, ऐसे टाइम पे दोनों भी आंसर करेक्ट है। ऑपरेटिंग में 2 यूनिट लगने चाहिए, इसमें भी 2 यूनिट है, इसमें भी 2 यूनिट है। और मल्टीपल कॉस्टिंग मतलब क्या, ऊपर मैंने जो सिखाए थे, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल, प्रोसेस, उसमें से कोई भी दो एक साथ, तो मल्टीपल में ऑपरेटिंग भी आ सकता क्या? यस, बेसिकली इन दोनों के आंसर 2, 2, 6 है, कोई भी लगाओ करेक्ट हो जाएगा। मैं इसको ये नजदीक है बोल के ये लगा रहा हूं, इसको ये लगा रहा हूं, दोनों भी करेक्ट है, बोथ करेक्ट। ठीक है, ये हो गया था क्या क्वेश्चन सॉल्व करके, जिसको ये लगाना था मटेरियल लेबर वगैरह? ओके चलो, हाँ मुझे एक जनरल पूछना है, तुमने आए रहेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस वैल्यू एंड कॉस्ट? प्राइस वैल्यू कॉस्ट, वर्ड सुनो है सुनने वाले तीनों, तो बोलो डिफरेंस क्या है। ये क्या है, तीन वर्ड है, प्राइस वैल्यू कॉस्ट, तीन शब्दों को बताना है डिफरेंस। प्राइस मतलब जिसपे सेल करते हैं, कॉस्ट उसके लिए कितना, और वैल्यू, वैल्यू का डेफिनेशन उस चीज की वैल्यू कितनी है, और सेलिंग प्राइस क्या होती है, और मार्केट रेट पे बेचू तो दोनों सेम। हाँ और कोई ज्ञानी, प्राइस वैल्यू रेट, ए सॉरी प्राइस वैल्यू कॉस्ट। ओके एक एग्जांपल देता हूं, फाउंडेशन का पेपर लिख रहे, अब हो गया ना इसलिए डरने का नहीं, तो अभी फाउंडेशन का पेपर लिख रहे, सपोज लॉ का पेपर चालू है, तुमको सामने वाला का आंसर परफेक्ट आता, मतलब सामने वाला क्वेश्चन का तो परफेक्ट आंसर आता, और तभी तुम्हारी पेन खराब हो गई, तुम कंपस बॉक्स खोले एक भी पेन लाए नहीं, गरीब लोग एक ही पेन लेके गए और वो भी खराब हो गई। अब क्या करते तुम, आगे पीछे वाले को मांगते, अभी आगे पीछे वाले भी होशियार निकले कॉमर्स के स्टूडेंट, वो क्या बोलते, पेन तो है मेरे पास, 500 रुपए लूंगा ना, तो क्वेश्चन इज पेन है वो 10 रुपए की, पर वो 500 रुपए मांग रहा है, उसके सिवा देने को रेडी नहीं, पूरे हॉल में वही दो बच्चों के पास है, तो किसके पास एक्स्ट्रा पेन ही नहीं है, अब मुझे बोलो 500 रुपए देंगे क्या? नहीं देंगे क्या, मेरा क्वेश्चन है, जरूरी थोड़ी है, तुम स्किप भी कर सकते पेपर 500 रुपए देंगे नहीं देंगे, सर एक अटेम्प्ट देंगे उससे अच्छा। ओके वही सपोज इकोनॉमिक्स पीसीके का पेपर था, लास्ट क्वेश्चन सर्कल करे, 5 मिनट तुम्हारे पास है, पूरा पेपर तुम्हारा अटेम्प्ट हो गया, सब कुछ हो गया, क्रॉस चेक हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद तुम्हारी पेन पेंसिल सब खराब हो गई, अब वो बोल रहा कि 500 रुपए है, अब आप वहां 500 रुपए मेरे पास के बच्चे वाले कितने मिलेंगे पूछ रहे, तो बेसिकली टाइम का डिफरेंस था, जो चीज के लिए तुम 500 रुपए देने के लिए रेडी थे, और थोड़े टाइम की रेड के बाद तुम उसको 500 रुपए के 5 रुपए देने को रेडी नहीं है, ऐसा क्या हुआ? हाँ तुम्हारी यूटिलिटी चेंज हो गई, तुम्हारा यूज उसका चेंज हो गया, तुम्हारे यूटिलिटी के हिसाब से वैल्यू चेंज होती रहती है, वैल्यू टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। क्या बोला, टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। अब इसके साथ एक मेरा इंसिडेंट भी हुआ था, एकदम कौला कौला सीए था मैं, नांदेड़ में फर्स्ट टाइम आया, ठीक है पापा बोले प्रैक्टिस कर, बोला चलो प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे तो कोई पहचान थी नहीं खास, तो एक नांदेड़ के एक सीए है, मैंने उनको असिस्ट किया, मैंने उनको बोला चलो मैं आपके साथ काम करता हूँ, बोले ठीक है, उन्होंने मुझे कुछ क्लाइंट्स दिए, मैं घर पे ऑडिट कर रहा, और तब वैसा जमाना नहीं था वाईफाई वाला, अगर तुमको पता है कि नहीं पता नहीं, डोंगल नाम का एक कंसेप्ट आता था, पेन ड्राइव जैसा एक ऐसा लंबा ये रहता था,
लैपटॉप को या किसी को भी कनेक्ट करना था, मोडेम, परफेक्ट, मोडेम डुंगल ऐसा बोलते थे, और तुमको वो नेट स्पीड आती थी, उसमें सिम कार्ड डालना पड़ता था और वो यूज करना पड़ता था। तो वो चीज थी मेरे पास। इनकम टैक्स की ड्यू डेट सपोज 30 सितंबर ऐसा बोलते हैं, तो रात को 12 बजे खत्म होती है, रात को 12 बजे, मतलब 6 बजे नहीं खत्म होती ऑफिस के टाइम पे, रात को 12 बजे खत्म होती। तो सबके काम आ करा और मम्मी पापा ने उनकी फाइल मेरे पास दे देती है, बोले बाहर सीए के पास काहे को जाना, घर का सीए है तू करेगा। बोला ठीक है, फिर सबके काम करा, मम्मी पापा के छोड़ दिया। हमें बोला आराम से लास्ट डे पे करेंगे, क्या तो कॉम्प्लिकेटेड करने वाला है। तो शाम को 5 बजे काम करना शुरू करा, मेरे को बच गए 10 पूरा बनाने के लिए। अभी क्या करना था, मुझे सिर्फ अपलोड करना था, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, वो फाइल अपलोड करने, दैट्स इट, काम उतना। नसीब उसी टाइम पे वो डोंगल खराब, नेट नहीं चल रहा। अभी वैसा नहीं कि वाईफाई मोबाइल का हॉटस्पॉट छोड़ो इधर कनेक्ट करो, अब 2G के जमाने थे, 3G भी नहीं था, 2G, 2G में मैं वाईफाई क्या दूंगा, कनेक्ट क्या करूंगा, अपलोड क्या करूंगा। तो फिर मैं रात को 10 बजे बिना खाए पिए नांदेड़ में नेट कैफे ढूंढ रहा कि नांदेड़ में नेट कैफे किधर मिलता, और मेरे को मिल मिल के मिला वो महावीर चौक के पास। तो महावीर चौक के पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में नेट कैफे, और मेरे नसीब वो शटर डाउन इच कर रहा था, और मैं आया भाई। वो नहीं क्या बॉलीवुड मूवीज के अंदर वो 7 फेरे लेते से रहते हैं, रुको, तो उस पाइप में मैं जा रहा, भाग रहा, वो उसका शटर बंद कर रहा, मैं बोला रुको भाई, तो रुक लिया। तो वो बोला भाई सिर्फ 10 मिनट का काम है, एक फाइल अपलोड करनी है तो 10 मिनट। वो बोला सर पैसे लगे, बोला हाँ मुझे पता है 20 रुपए घंटे का, भाई तू 10 मिनट के 20 रुपए ले, और क्या ले, मेरे को सिर्फ 10 मिनट यूज करने का है। अब वो शाना नेट कैफे वाला भी डबल शाना। अब वो उस कॉम्प्लेक्स में रहता था जहां पे 3 CA है, उस कॉम्प्लेक्स में 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस हैं, तो उसको पता था कि आज 30 सितंबर है और इनकम टैक्स की लास्ट ड्यू डेट है, और ये जिस तरीके से मैं फॉर्मल लैपटॉप लेके आया था तो उसको समझ गया ये सीए है। तो बोला 500 रुपये लगे, बोला शाने 500 रुपये सीए को लूटा। अब मेरे को क्या था, क्लाइंट के भी कुछ भी करा, फाइल अपलोड नहीं हुई, उसको कुछ तो बोल सकता था मैं क्लाइंट को, क्लाइंट कौन है, पप्पा छे, घर पे रहने नहीं देंगे मेरे को, तो अपलोड तो करने का है। 500 रुपये लिया मेरे को, नांदेड़ के इंटरनेट कैफे ने मेरे को ठगा है, सीए को ठगा है, ठीक है। सो पर मैंने 500 रुपये दिए क्यों, 10 मिनट के लिए, क्योंकि वहां पे मेरी टाइम की यूटिलिटी सबसे ज्यादा थी, तो वैल्यू सबसे हाई हो गई, अदरवाइज 5,000 रुपये पेनल्टी या फिर बिजनेस के आधे परसेंट के टर्नओवर का पेनल्टी है। अगर सपोज 1 करोड़ का किसी का बिजनेस है तो आधा परसेंट मतलब 50,000, अगर मैं वो 500 रुपए के नाद में 50,000 का नुकसान कराता था तो घर वाले पकड़ पकड़ के मार देते। तो फिर इज्जत से 500 रुपए देना पड़ा अपलोड करने में, इसको याद रखा, मतलब देख तेरे को जरूर। हाँ, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू, वो 20 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस, वैल्यू जो हर मोमेंट के साथ चेंज होती रहती, एंड कॉस्ट ये फैक्ट है, कोई भी कैलकुलेट करो उसके लिए उतना ही कॉस्ट रहेगा। अब उसके लिए कॉस्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो भी लगे है, उसका जो भी चार्ज, दैट इज अ कॉस्ट। तो ये जो चीज है डिफरेंस बिटवीन, किधर गया, ये पेज पेज नंबर 7, वैल्यू प्राइस एंड कॉस्ट पे आओ, वैल्यू प्राइस एंड कॉस्ट। पर्टिकुलर्स, वैल्यू प्राइस एंड कॉस्ट, मीनिंग, वैल्यू इंडिविजुअल के हिसाब से पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया तुमको, एग्जाम सेंटर पे 500 रुपए के लिए पेन खरीदे, मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अपलोड करने के लिए इंटरनेट कैफे को 500 रुपए दिए, टाइम के हिसाब से चेंज होती प्राइस, सेलर डिसाइड करता है कितने में चीज बेचनी है, वो उसकी इच्छा है, वो चेंज नहीं करेगा, दैट इज प्राइस सेलर डिसाइड करता है। कॉस्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो भी खर्चा हुआ वो कॉस्ट है। असर्टेनमेंट फ्रॉम किसके एंगल से,
वैल्यू यूजर के एंगल से चेंज होती है और प्राइस सेलर एंड कॉस्ट प्रोड्यूसर। देखो वैल्यू एग्जाम सेंटर पे तुमको यूज करना था ना, जो यूटिलाइज कर रहा उसके हिसाब से वैल्यू चेंज हुई, प्राइस जो बेच रहा उसके मन के हिसाब से और कॉस्ट प्रोड्यूसर के हिसाब से। डिफरेंशिएशन ऑब्लिक सब्जेक्टिविटी, हर एक पर्सन अलग अलग वैल्यू अटैच कर सकता है। एक आधी चीज का वैल्यू मेरे लिए ज्यादा है तो तुम्हारे लिए उसका प्राइस ए वैल्यू कम हो सकता है, पॉसिबल। ठीक है, प्राइस पॉलिसी डिसीजन है, मैनेजमेंट का है, सबके लिए सेम प्राइस रहेगी। वैल्यू सबके लिए डिफरेंट रह सकती है पर पॉलिसी डिसीजन के हिसाब से सेलिंग प्राइस ये होती है और ये यूनिफॉर्म होता है। एक्चुअली सेलिंग प्राइस में पॉलिसी बना सकता हूं कि जो 10 यूनिट के ऊपर खरीदेगा उसको ये प्राइस, 10 यूनिट के नीचे खरीदेगा ये प्राइस, 100 यूनिट के ऊपर करेगा ये, पॉलिसी के हिसाब से ये यूनिफॉर्म किसी के लिए भी कॉस्ट सेम ही होगी एंड वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। इन्फ्रेंस, वैल्यू इज अ ओपिनियन, प्राइस इज अ पॉलिसी एंड कॉस्ट इज अ फैक्ट। कॉस्ट फैक्टर को कोई चेंज नहीं कर सकता, प्राइस पॉलिसी के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है एंड वैल्यू इज प्योरली ओपिनियन बेस्ड। ओके, इसमें से अभी अपना, हाँ, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, अलग अलग कॉस्ट कौन से हैं, पेज नंबर 3 पे दिखेंगे तुमको। हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट, इसको पहले अपन देखेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो पास्ट में हो चुके हैं वो सब को क्या बोलेंगे अपन, हिस्टोरिकल कॉस्ट में डालेंगे। पास्ट टाइम पीरियड में जो कॉस्ट इनकर किए, विच हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड, जो ऑलरेडी इनकर हो चुके हैं इसको क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसको कोई चेंज नहीं कर सकता पास्ट में जाके, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अभी से फॉर एग्जाम्पल तुमने तुम्हारे नर्सरी की फीस भरी रहेंगे स्कूल में, हिस्टोरिकल कॉस्ट कब भरी, भर गए, उसको कुछ नहीं कर सकते। वॉट एवर इनकर्ड पास्ट वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में आएगा। करंट कॉस्ट रिलेटिंग टू द प्रेजेंट पीरियड, अभी के रिलेटेड तुम कुछ फीस पे करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, करंट कॉस्ट। और पहले तुमने बचपन के जो किए, सीए बनने में कितना खर्चा आया, पैदा होने से लेके सीए बनने तक का सब खर्चा ऐड करते बैठेंगे तो नहीं, गलत हो जाएगा ना। तो तुमको करंट कॉस्ट कंसिडर करनी पड़ेगी, दैट इज फाउंडेशन लेवल के सीए फाइन। तुम पैदा होने से लेके सब मेरे को सीए बनने में इतना खर्चा लगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट तुमने डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं लेना, तो ये चीज लिख के लेना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, नॉट यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, नॉट यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट रिलेटिंग टू फ्यूचर पीरियड, कॉस्ट विच इज कंप्यूटेड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। इसका मतलब फ्यूचर का कॉस्ट जो मैं अभी यहां से बैठ के सोच समझ के निकाल रहा हूं, दैट इज बजेटेड कॉस्ट। अभी जैसा बजट तुम एक आधा ट्रिप प्लान कर रहे हो तो उसका बजट निकालेंगे पहले, उस हिसाब से सब कुछ करेंगे तो होगा बजेटेड कॉस्ट। अभी कोई भी चीज, अभी घर कंस्ट्रक्ट करना है पहले बजट निकालते हैं कि कितने का खर्चा करने का है, कोई फंक्शन करना है घर पे तो पहले बजट निकाला जाएगा उस हिसाब से खर्चा किया जाएगा। तो फ्यूचर के रिलेटेड कॉस्ट आर बजटेड कॉस्ट। क्या लगता कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा क्या आता रहेगा, हिस्टोरिकल, करंट या बजटेड, क्यों? मैंने पहले ही बोला था अकाउंट्स खत्म होने के बाद आता, अकाउंट्स क्या यूज करता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, एंड कॉस्टिंग क्या यूज करेगा, बजटेड कॉस्ट, क्योंकि कॉस्टिंग हमेशा होने के पहले यूज किया जाएगा, उस हिसाब से कॉस्टिंग करके फिर तुम निकालेंगे और फिर डिसाइड किया जाएगा। सपोज तुमको बर्थडे पार्टी देनी है, पापा लोग ने तुमको कुछ पैसे दे दिए तो तुम पहले से बजट निकालते कि मेनू क्या क्या रखना है, एक आधा भी मेनू इधर उधर हो गया तुम्हारे बजट की पूरी
वाट लगती है, एक आधा दोस्त भी बढ़ गया, कितना सोचना पड़ता है ना तुम लोगों को एक आधे बर्थडे की पार्टी पे बुलाने के लिए, किसको किसको बुलाना। क्लास में तो सब अपने छे, सबको तो पार्टी दे नहीं सकते, फिर डिसाइड करते कि ये 5 लोग को बुलाना। फिर इसका ये दोस्त बेस्ट है, अगर मैं इसको बुलाया उसको नहीं बुलाया उधर तक तो गेम हो जाएगा, फिर उसको भी बुला, फिर ये दोनों को बुलाया और इसके दोस्त को नहीं बुलाया तो ये बुरा मानेगा, तू उसके दोस्त को बुलाया पर मेरे दोस्त को नहीं बुलाया। ऐसा कभी हुआ है क्या तुम्हारी जिंदगी में? सर पूरी जिंदगी चुस्मे गई है कि बर्थडे पार्टी के टाइम पे बुलाना किसको। हम तो रहते थे अबे हॉस्टल, हॉस्टल में ना सब भाईचारे में रहते बोलने के लिए। तो अभी जब बर्थडे पार्टी करने की बात आती है, इज्जत से पहले डिसाइड करें कि भाई अपने ये 3 रूम है ना, बेस्ट फ्रेंड है अपन, 3 रूम वालों को बुलाएंगे और जाएंगे, और कैसे ना कैसे हर एक के खबरी किधर ना किधर तो रहते चे। तो अभी पार्टी दे रही थी सुंग सुंग में जाते चे। तो मेरे को समझ गया कि मेरे को 3 रूम छोड़ के मेरा एक है कोई तो फ्रेंड, वो पार्टी दे रहा है, और पार्टी को जाने के पहले इनको प्लानिंग करनी पड़ती है। सब एक साथ निकलेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, तो अलग अलग टाइम पे एकदम सजे धजे बगैर, सज धज के गए तो जैकेट डाल के इस प्लानिंग करके निकलना पड़ता है, और सब लोग वही टापते रहते, पता रहता है इसका बर्थडे हुआ है अब ये पार्टी तो देगा, ये 4-5 दिन अपने को उस पर नजर रखनी है। तो हमको एक खबर तो निकल आती थी कि अभी ये पार्टी कहाँ और कब दे रहा है, चुपचाप रहने का, जा रहे जान दो कुछ नहीं बोलने का। फिर आधे घंटे के बाद उसी जगह पे अपन जाना, 5 लोग ज्यादा लेके जाके, अरे तू इधर, अब वो तू इधर बोलने के बाद वो तो बोलेगा नहीं, अभी है तो दोस्ती, उसको क्या बोलना पड़ेगा, बैठ सा। अगर वो बैठ साथ के बोला नहीं और हम तो बाजू का टेबल लेके बैठने वाले हैं, हमको समझ में आएगा पार्टी बोले के लगे ज्वाइन होने का है और टीटीएम बोले के बाजू के टेबल पे बैठने का है। तो अपने को वैसा उधर जाके उसका सिर्फ पार्टी का बजट हिलाने का अपना काम, बस बाकी कुछ भी नहीं। ये कभी ना कभी किया ऐसा कुछ नहीं सर, इतने खतरनाक दिमाग नहीं सोच करके देखो, एक दोस्त की बर्थडे पार्टी बिगाड़ के देखो क्या मजा आता है। हाँ बजटेड कॉस्ट, पूरा बजट कैलकुलेट कर करके करके जाते हैं, कट टू कट कैलकुलेशंस करके जाएंगे, ठीक है। हाँ तो ये फ्यूचर पीरियड के रिलेटेड जनरली होते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। ये कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल क्या होते हैं? बिजनेस करना है तो कुछ चीजें इसेंशियल है, उसके सिवा हो ही नहीं सकता, दैट इज नॉन कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब जिसको मैं डिस्क्रिशन पे है, मेरे इच्छा पे है कि इसको मैं कॉस्ट में कन्वर्ट करूं कि नहीं करूं, ये मेरे इच्छा के ऊपर है। अभी शांति से, से फॉर एग्जाम्पल एक आधा रेस्टोरेंट है जिसने नया नया रेस्टोरेंट ओपन किया, अभी उसको ऑप्शन है कि ओपनिंग के लिए किसी सेलिब्रिटी को बुलाना, क्या आजकल नया ट्रेंड शुरू हो गया सेलिब्रिटी को बुलाते ओपनिंग के लिए, तो किसी सेलिब्रिटी को बुलाना, क्या सेलिब्रिटी फुकट आता है क्या, पैसा लगता है, 1-1,50,000 रुपए तो लेगा वो आने के। नाउ अभी कंट्रोलेबल या नॉन कंट्रोलेबल, विच इज कंट्रोलेबल, उसकी इच्छा है बिजनेस के लिए सेलिब्रिटी को बुलाना या नहीं बुलाना, दैट इज कंट्रोलेबल, जो खर्चा कम ज्यादा हो सकता है उसके डिस्क्रिशन पे, उसके इच्छा पे। नॉन कंट्रोलेबल वो रेस्टोरेंट है ना, फर्नीचर करना पड़ेगा या नहीं कंपलसरी है, कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल फैन एसी इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉन कंट्रोलेबल, शेफ का खर्चा वेजिटेबल्स वगैरह तो वो सब हो गए नॉन कंट्रोलेबल। बिजनेस के लिए जो इसेंशियल है कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड और कंट्रोल बाय मैनेजरियल, उसको अनअवॉइडेबल कॉस्ट बोलेंगे, रेंट इलेक्ट्रिसिटी फर्नीचर ये सब चीजें। एग्जाम्पल लिख दो लगा तो, रेंट इलेक्ट्रिसिटी फर्नीचर, नॉर्मल कॉस्ट अब नॉर्मल कॉस्ट,
cost which can be reasonably expected to be incurred under normal routine and regular operating conditions. अभी normal cost is business running है, उसके time जो भी खर्चे लगने वाले all are normal cost. अभी say for example VCA के अंदर वो चाय वाला आता है, पूरे स्टाफ को चाय देके चल जाते हैं, ठीक है, सवेरे भी आता है शाम में भी आता है, चाय देके चल जाता है, क्या लगता है नॉर्मल कॉस्ट है बीसी के लिए? अब नॉर्मल है, जरूरी है स्टाफ को चाय पिलाना, बट इट्स अ रूटीन कस्टमरी. इंडिया में है तो अपने वर्कर लोग को चाय पिलाना पड़ता है, ये कौन बनाया मुझे नहीं पता, बट ठीक है, इट्स अ नॉर्मल रूटीन खर्चा, इट्स अ नॉर्मल कॉस्ट. अब नॉर्मल कॉस्ट कब होगा? जो रूटीन में नहीं आता है, अनएक्सपेक्टेड है, ऐसे चीजें अब नॉर्मल कॉस्ट में आएंगे. से फॉर एग्जाम्पल हाँ, कोविड आया, कोविड आने के बाद हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने को बोले? वो सैनिटाइजर लगाने को, डिस्पेंसर या पूरे इस पे सैनिटाइज करके लाओ. अब ये खर्चा नॉर्मल है क्या? अभी करेंगे क्या कोई किसी दुकान पे? बहुत रेयरली 100 में से एक जगह तुमको दिखेगा सैनिटाइजर, बाकी कोई लगा रहा क्या? अब लगाए तो भी तुम यूज कर रहे क्या? नहीं. तो दैट इज वो अबनॉर्मल सिचुएशन थी, अबनॉर्मल कंडीशन के अंदर. अरे अब्बा है 100 में से एक बोला ना, इसलिए मैं बोला 100 में से एक. हाँ, तो अभी भी कोई ना कोई तो यूज करेगा, तो वो अबनॉर्मली हो गया. कोरोना आया इसके वजह से तुमको लगाना पड़ा, अबनॉर्मल कंडीशन की वजह से. फायर अकर्ड, ओके, फायर होने के बाद फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं. क्या लगता है फायर एक्सटिंग्विशर को पैसे देने पड़ते हैं फ्री रहता? पैसे देने पड़ते मेरे को, एक्चुअली मेरे को आज तक फ्री लगता था, कल परसों मुझे समझा कि पैसे देने पड़ते. मुझे लगा गवर्नमेंट है इतना टैक्स भर रहे, कुछ तो फ्री में, तो कुछ भी फ्री में नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर को भी पैसा देना पड़ता है, ठीक है. तो वो अब नॉर्मल कॉस्ट हो गया. ऐसे बोर हो रहा, फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाते हैं, दिवाली की साफ सफाई है, वो धो देंगे बोले पूरे दुकान. आप भी बोला ना कल परसों किधर आग नहीं लगी, किसी दोस्त की दुकान की जल गई, तो उन पर वो बोला पैसे, बोला पैसे देने पड़ते क्या? बोले फुकट भी आते, बोले अच्छा वो मैं लगाया नहीं, नहीं तो मैं बोला फुकट हो रहा चल ना लगा. तो अबनॉर्मल कॉस्ट, दिस इज जो अनएक्सपेक्टेड है, एक्सीडेंट की वजह से, आग लगने की वजह से, रिपेयर इन सब की वजह से, ठीक है. समझा? ओके. हाँ, एक चीज अभी से, त्रिकाल वादित सत्य, मतलब पूरे कॉस्टिंग में इसको भूलना नहीं है. क्या नहीं भूलना है? अबनॉर्मल कॉस्ट जब कभी भी आएगा वो एक जगह जाएगा, कौन सा? कॉस्टिंग P&L ऑलवेज. अभी मैं कौन से भी चैप्टर में पूछूं अबनॉर्मल कॉस्ट, तुम्हारे दिमाग में लगे बत्ती चलना सर कॉस्टिंग P&L. समझा? तो लिख दो ऑलवेज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L, ऑलवेज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L. ओके, कुछ कुछ चीजें मैं क्या बोलता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, देखते तुम्हारे बैच में भी होता है क्या. आज तक के हर बैच में हुआ है. हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में क्या लिखे तुम? पास्ट. और कुछ तो लिख के लगाया मैंने, नॉट यूज फॉर. समझा? मैं बोला अब मैं भविष्य नहीं कर रहा, ये चीज तुम भूलने वाले हैं पूरे कॉस्टिंग में दो बार मिनिमम. तो मैं ये चीज अभी से बता रहा हूं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नॉट यूज फॉर डिसीजन मेकिंग. ऐसा 100% होगा कि तुम बच्चे इसको लेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए. मैं अभी भविष्य नहीं कर, और ऐसे भविष्य नहीं बहुत करूंगा और प्रूफ भी करके बताऊंगा, और मैं बोलूंगा भी कि तुम आगे जाके भूलने वाले है कि नहीं. हाँ, तो आगे जाके भूलने वाले हैं, ये चीज याद रखना. अगर वो याद रख रहे तो ये भी याद रखो कि डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं लेते अपन, ठीक है. हाँ, लिखो बाजू में ये मैं भूलने वाली हूँ, मेरे को याद दिलाने का है बाद में, मैंने लिखाया था भूल के, ठीक है. देखते अपन कितने लोग याद रखते इसको. ओके, कमिंग टू द, क्या करता हूं मैं हर रोज थोड़ा बहुत थ्योरी लूंगा, पूरा थ्योरी पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, थोड़ा थ्योरी थोड़े क्वेश्चंस लेंगे.
तो अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं आज, कॉस्ट शीट। जैसे अकाउंट्स में बैलेंस शीट होती है वैसा कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट होती है, ठीक है। तो कॉस्ट शीट एंड बैलेंस शीट जैसा वो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट भी फिक्स है मोर और लेस कॉस्ट शीट का, ठीक है। रात में 12 बजे भी मैं उठाया और कॉस्ट शीट बोला कि तुमको यह याद होना चाहिए, ठीक है। रोज आज से रोज एक बार अपन रिपीट करने वाले, पर कॉस्ट शीट तुमको कंपल्सरीली फॉर्मेट याद होना चाहिए और एकदम लॉजिकल है, ऐसा नहीं कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट है, बहुत लॉजिकल है। इमेजिन करो कि तुमको एक आधी चीज मैन्युफैक्चर करनी, क्या है मैन्युफैक्चर करने की इच्छा है बोलो, कुछ तो एक आधा पेंसिल, चलो बहुत अच्छा बड़ा सोचे, पेंसिल बनाएंगे अपन, ठीक है। पेंसिल बनाने के लिए क्या लगता है सबसे पहले, लकड़ी और वेरी गुड ग्राफाइट, लीड नहीं, लेड मतलब दूसरा अलग होता है, ग्राफाइट लगेगा जिससे वो काला काला अंदर का होता है ना, वो दो चीजें लगेंगे। ये क्या है, वेरी गुड मटेरियल है। फिर क्या करेंगे, ये सपोज मैंने लकड़ी लाके दिया, ग्राफाइट लाके दिया, फिर मशीन को उससे क्या करेंगे, कट करेंगे, कौन चलाएगा मशीन, तो तुमको क्या लगेगा, लेबर। आगे पहला एलिमेंट मटेरियल, दूसरा एलिमेंट और लेबर को चलाने के लिए मशीन चाहिए। मशीन क्या है, एक्सपेंस, मशीन का डिप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंस, और एक्सपेंस को क्या बोलते, और मैंने तीन एलिमेंट क्या बोले थे, मटेरियल लेबर और, याद आ रहा क्या, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं लकड़ी और लीड तुमको ग्राफाइट लाके दिया, फिर लेबर उसको काट छाट करके उसके अंदर लीड डाल के उसको बनाया, किधर बनाएगा, वेरी गुड फैक्ट्री में। ये एग्जांपल पूरा याद रखो, पूरे कॉस्ट शीट में काम आने वाला है। पहले मटेरियल आया, लेबर ने उसको उठा के फैक्ट्री में रखा, फैक्ट्री में मशीन्स को यूज किया, मशीन को यूज करके वो टडा पेंसिल बनाया। अब ये पेंसिल को क्या करना पड़ेगा अपने को, हाँ सेल बहुत दूर की बात होगी, पहले उसको पहले उसका चेक करना पड़ेगा ढंग से बनी कि नहीं, चेक करेंगे कि नहीं, बराबर बनी, उसको ब्रांडिंग करेंगे कि नहीं, यस नाम लगाएंगे, ब्रांडिंग करेंगे, अच्छे से पैक करेंगे, फिर उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड, बराबर। सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के बाद फिर क्या करेंगे, एडवर्टाइज करके बेचेंगे, पूरा जितना बना है उतना पूरा माल बेचा जाता क्या, मैन्युफैक्चर करेंगे, थोड़ा बहुत माल बेचेंगे, थोड़ा बहुत गोडाउन में, जो नहीं रखा उसको क्या करते, बेचा गया उसको गोडाउन में रखेंगे, बाकी बेच देंगे, बेचने के बाद पैसे आएंगे और तब तुमको प्रॉफिट समझेगा, कुछ भी गलत हुआ क्या, बस यही कॉस्ट शीट है। अभी शांति से कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखो, पहले लाए लकड़ी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, और अभी से दूसरी चीज जो हमेशा याद रखनी है कि यू विल ऑलवेज यूज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अकाउंट्स में हमेशा क्या यूज करते थे, परचेस्ड, अपन रेविशन क्या लिखते तुम, परचेस, यहां पे क्या यूज करेंगे, कंज्यूम। पूरे कॉस्टिंग में याद रखना है व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कंजम्पशन, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, परचेसेस। मैंने जो परचेस किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें से मैंने कितना कंज्यूम, समझ में आया, ओके। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, लॉजिकल। ऐसा करे क्या कभी अकाउंट्स में, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग क्या मिलता था, कितना कंज्यूम करे, ओपनिंग परचेस उसमें से बचा कुचा, बचा कुचा क्या है, कंज्यूम हो गया, लॉजिकल, ओके। फिर उसके बाद उसको उठाया लेबर ने, एड डायरेक्ट लेबर, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ने वेजेस, अरे वेजेस लेबर में आएंगे ना महान, कॉस्टिंग के एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, शांत करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मटेरियल लाए, लेबर ने उठा के फैक्ट्री में लाया, तो एक्सपेंसेस में आएंगे मोल्ड, जिक्स। अब ये क्या होता है, जूता बनाने का है फैक्ट्री, तो जूता बनाने के लिए अलग अलग साइजेस लगते, 6, 7, 8, 9, 10, उनको कैसे पता कि 8 नंबर का साइज क्या है, हाँ वो लकड़ी के मोल्ड बनाए वाले रहते, उसको रख के वो पूरा बनाते हैं, तो वो जो मोल्ड है लकड़ी का वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। मटेरियल लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको मिला के क्या बनेगा, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट इधर,
से दो कॉलम बनाओ इधर इस साइड अभी नहीं मैं बता रहा हूं, जस्ट ऐड करते जाना मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस, तुमको मिलेगा प्राइम कॉस्ट ऐड फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सब काम किधर चलेगा फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का सब खर्चा मेंटेनेंस वगैरह फैक्ट्री ओवरहेड्स, उससे क्या मिलेगा तुमको मिलेगा वर्क्स कॉस्ट, वर्क कॉस्ट मिल जाएगा, फैक्ट्री के खर्चे ऐड हो गए, ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, फैक्ट्री में हर एक काम जो शुरू और खत्म होता है डॉट नहीं, कुछ कुछ काम पेंडिंग रहेगा तो जो पेंडिंग काम है उसको प्लस माइनस कर लो, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी पता है वर्क इन प्रोग्रेस, काम शुरू तो हुआ पर खत्म नहीं हुआ, एड लेस, तो उससे क्या मिलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट एड फैक्ट्री में माल बन चुका है, पेंसिल बन चुकी है, पेंसिल बन के बाहर आए, अभी इसमें क्या क्या देखेंगे, पेंसिल अच्छी बनेगी नहीं देखेंगे कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च डेवलपमेंट, पेंसिल में क्या कर सकते हैं और कलर वाली पेंसिल, डार्कर पेंसिल्स, लाइट वाली पेंसिल, ऐसा कुछ तो ये करो, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मतलब एडमिन मतलब उसको कितने में बेचना, पैकिंग कैसी करना, डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कौन से मार्केट में लॉन्च करना, ये सब चीजें, तो ये सब खर्चे ऐड करो, पैकिंग कॉस्ट, पैक भी करना पड़ेगा ना, ये सब खर्चे, फैक्ट्री से माल बन गया कितने में बेचना, ब्रांड कौन सा देना, ये करके पैक बना दिए बाहर आ गया, इसको क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी मेरा समझ गया कि एक पेंसिल बनाने को कितना खर्चा गया, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, पूरा माल बनाया वाला बिकेगा तो नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ये अकाउंट्स में आ रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्ड था क्या, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस ये प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, अकाउंट्स वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, यस इतना माल मैं बेचने वाला हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना माल बेचने वाला, जितना माल बेचूंगा उसकी ही एडवर्टाइजिंग करूंगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसको ही खर्चा लगाऊंगा, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल, तो एडमिनिस्ट्रेशन दो टाइप के हैं, यहां पे पहला और यहां पे दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल, सर कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन होता है और कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन जनरल होता है, जनरली प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी देनी है मुझे, प्रोडक्शन मैनेजर की, तो प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्शन, ऑफिस के कामकाज का मैनेजर है उसकी सैलरी देनी है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जनरल, पर सर क्वेश्चन में कैसा समझेगा, तो एक चीज अभी से स्टार्टिंग के पेज पे जाके लिखने का है, लिखो, गो टू द फर्स्ट पेज, नोटबुक, नोटबुक के फर्स्ट पेज पे जाके लिखने का आईएमपी पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, आर ऑफ टू टाइप्स, आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट प्रोडक्शन, सेकेंड जनरल, जनरल फुल स्टॉप, इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली mentions, इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली mention, इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली mention, that they are related to, that they are related to production, then it is production overheads, then it is production administrative overheads, production administrative overheads, production administrative overheads,
अदरवाइज जनरल, अदरवाइज जनरल इसका मतलब क्या लिखा है वो बोलो पहले। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, और क्वेश्चन बोलता है तो ही प्रोडक्शन। अगर क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आया, तुमको क्वेश्चन आया कि क्या कहां पे डालू, प्रोडक्शन में या जनरल में, जनरल में डाल दो, ठीक है। और क्वेश्चन बोलता है कि प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में डाल दो, समझा। और क्वेश्चन साइलेंट है, सर मैं जनरल में क्यों, प्रोडक्शन में डालना चाहता हूँ, डाल भाई, नीचे नोट मार दो, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। पर एक जनरल ट्रेंड है कि जनरल में डालना है। फिर मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सब खर्चे ऐड करने के बाद मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर मैं उसको बेचूंगा, बेच के मुझे मिलेगा सेल्स, और क्या मिलेगा फिर मुझे, प्रॉफिट, समझा। ओके, इसमें एक छोटा सा चेंज है, शांति से बता रहा हूं। अगर तुम मॉडल में देखेंगे तो यही फॉर्मेट मिलेगा। इंटरेस्ट कॉस्टिंग में आना चाहिए या नहीं, क्या लगता है तुमको, इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों नहीं? वेरी गुड, फाइनेंस रिलेटेड कॉस्ट है, इट्स नॉट अ कॉस्टिंग का कॉस्ट है क्या? हाँ है, पर कॉस्टिंग की कॉस्ट है क्या? नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट कॉस्टिंग में नहीं आता। बट आज से 20 साल पहले मैं जाता हूं तो तुम एकदम सही बोल रहे हो, पर मैं आज के तारीख में आता हूं, 100 में से 95 बिजनेस ऐसे होंगे जो लोन से ही चलते हैं। अगर यहाँ पे कोई बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता है, तुम घर पे पूछो कि बिजनेस में छोटा मोटा क्यों ना हो, लोन है क्या, 100% जवाब यस आएगा। सीसी रहेगा, टर्म लोन रहेगा, कुछ भी रहेगा, बिजनेस के लिए लोन यूटिलाइज होता ही है। आज के तारीख में बिजनेस में लोन इज इनसेपरेबल पार्ट, बिजनेस के लिए लोन लगता ही है। तो अगर बिजनेस बिना लोन के चल नहीं सकता तो वो बिजनेस का कॉस्ट हो गया, उसके लिए लगेगा कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड होना चाहिए। इसके वजह से एक्चुअली इंस्टीट्यूट लिखते समय थ्योरी में तो क्या बोलती है, इंटरेस्ट इज अ फाइनेंस कॉस्ट, बट क्वेश्चन जितने बार भी सॉल्व हुए हैं इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड किया गया है। तो स्टूडेंट फिर मेरे पास रोते रोते आते, सर आपने तो क्या सिखाया, फाइनेंस कॉस्ट कॉस्टिंग में नहीं आना। सही बात है भाई, कॉस्टिंग में नहीं आना, बट लॉजिक समझ रहे क्या, कि आज के तारीख में वो इसेंशियल पार्ट बन चुका है लाइफ का, वैसे बिजनेस के लाइफ का, तो इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड होना चाहिए। सर इधर किधर ऐड करना है, इतने कॉस्ट शीट में जगह किधर है, इतने कॉस्ट शीट में जगह है इधर, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद ऐड इंटरेस्ट, इधर लिखेंगे तुम पेंसिल से ऐड इंटरेस्ट। फिर तुम निकालेंगे प्रॉफिट। तो अकाउंट्स में पीएनएल एंड बैलेंस शीट दो है, यहाँ पे ऐसा दो कुछ भी नहीं है, एक ही छे। यहाँ पे बैलेंस शीट नाम का नाम है ही नहीं, यही पी एंड एल है, यही बैलेंस शीट है, इसको नाम दे दिया कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट में ऊपर दो नाम रहेंगे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। स्टार्टिंग से शांति से पहले क्या लेना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, कैसे निकालेंगे मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, एड डायरेक्ट लेबर, एड यू विल गेट प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, यू विल गेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करना, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी लेस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, तुमको क्या मिलेगा, हाँ यहाँ पे लिखो नेट फैक्ट्री कॉस्ट, लगा तो ब्रैकेट में लिख दो नेट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में तीन चार चीजें ऐड करना है। जनरली सबसे बड़ा कॉस्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग या सेल ऑफ स्क्रैप माइनस। अभी जो स्क्रैप होता है, मैन्युफैक्चर करते करते कचरा जमा होता है, कचरा तो बेचेंगे, बेच के बहुत सारे पैसे आते, छोटे कम पैसे आते, कम पैसे आते तो इधर के इधर खर्चे में माइनस कर दो, तो खर्चा माइनस, इनकम नहीं बताना, वो इनकम नहीं है, बनाते बनाते बन गया, कचरे को बेचा थोड़े बहुत पैसे आ गए, खर्चा कम करो, इसलिए लेस। तो स्क्रैप को जो बेच के पैसे है उधर में से माइनस, तो तुमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तुमको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसमें तीन चीजें ऐड करना, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों को ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स।
इंटरेस्ट अगर रहा तो, अदरवाइज इतना ही एड प्रॉफिट यू विल गेट सेल्स। समझा क्वेश्चन? चलो पहला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू। ऐसा कुछ तो दिख रहा क्या? 16 नंबर के बाद, एच नंबर 16 के बाद। हुआ मिला? Following information has been obtained from the records of ABC Corporation for the period from June 1 to June 30, 2018. तो 1 जून से 30 जून तक का डेटा मिला है, जून 1 एंड जून 30, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये क्या होगा? 1 जून को 60,000 रॉ मटेरियल बोल रहा है, मतलब ये क्या है? वेरी गुड, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग होगा। और 30 जून का होगा ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। WIP 12,000 1 जून का, मतलब ये ओपनिंग WIP है, और 15,000 क्लोजिंग। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग जून 2018, परचेसेस, वेजेस पेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मतलब क्वेश्चन खुद होके बोल रहा है तो इसको अपन प्रोडक्शन बोल के मानेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स सेल्स। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट। ये मतलब ये किस में रहता? सब कॉस्ट शीट में रहता, तो कॉस्ट शीट बनानी है अपने को। और एक याद रखना, जब से सी एंटर शुरू हुआ है, एक 8 अटेम्प्ट पकड़ो, ये तो 8वां अटेम्प्ट अभी रहेगा, नहीं ये 8वां अटेम्प्ट था। तो तुमको क्या याद रखने का है? एवरी अटेम्प्ट कॉस्ट शीट 10 मार्क को आई वाली है कंपल्सरी, ठीक है? और बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम 11th 12th में बैलेंस शीट पी एंड एल बनाए रहेंगे ना, वो ट्रायल बैलेंस में लिखे कौन सा किधर लिखने का है, वैसा ही है। सिर्फ तुमको याद रखने का है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, और उसमें उसमें वो चीज ऐड करते जानी है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, आराम से साथ में करेंगे, बाद में तुमको करने को भी मिलेगा। तो पहले हेडिंग दे देंगे, एबीसी कॉर्पोरेशन कॉस्ट शीट, एबीसी कॉर्पोरेशन कॉस्ट शीट। एबीसी कॉर्पोरेशन कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ही यही है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। कुछ डेटा है क्या, कितने यूनिट प्रोड्यूस करे, कितने यूनिट सेल किए? नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में नहीं है, इसका मतलब लिखना नहीं, नहीं लिख दो, ब्लैंक छोड़ो, बट इसके एक तरह से तुमको आदत लगनी चाहिए कि ये कंपलसरी लिखना है हमेशा। पर्टिकुलर्स रुपीज, रुपीज पर्टिकुलर्स एंड 2 रुपीज कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज के 2 कॉलम। हाँ, आज से थोड़ा खर्चा करो स्टेशनरी पे, पेंसिल, पेज, फुल पट्टी, सब सब लेके आने का। पर्टिकुलर्स रुपीज, रुपीज लिखे। फर्स्ट फॉर्मेट याद रखो, क्या था फॉर्मेट पहले? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, तो लिखो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। कंजम्पशन कैसे मिलता है? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 4,90,000।
ओके हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 60,000। ये किधर लिखने का, शांति से सुनो, एक मिनट एक मिनट। ओके हाँ, ये पेज तुम्हारा, यहाँ पे दो कॉलम बनाए, ये पर्टिकुलर्स कॉलम है, इधर लिखने का है, दो कॉलम के भी पहले, इनर कॉलम में नहीं, दो कॉलम के पहले, 60,000, 60,000। परचेसेस, कितने परचेसेस है, 4,80,000, 4,80,000 के परचेसेस। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 50,000, तो निकालो कितना था, 4,90,000। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मिला, ये इनर कॉलम में लिखने का है। डायरेक्ट लेबर कितना है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर मतलब ये वेजेस पेड, वेजेस अपने डायरेक्ट रहते हैं, 2,40,000, तो डायरेक्ट लेबर इनर कॉलम 2,40,000, 2,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है क्या, देखो क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, जीरो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जीरो। तो तुमको मिलेगा प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट बोलो मतलब इन तीनों का एडिशन, इन तीनों का एडिशन, मटेरियल लेबर प्लस ओवर, 7,30,000, 7,30,000, 7,30,000, ये आ गया प्राइम, मटेरियल लेबर आ गया। या इमेजिन करो, वो पेंसिल का टुकड़ा लेके आया, किधर लेके आएगा, फैक्ट्री में, अभी फैक्ट्री के काम करेगा, फैक्ट्री में काम करेगा तो फैक्ट्री के खर्चे लगेंगे, कितने फैक्ट्री के खर्चे, 1,00,000, तो ऐड फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, सॉरी ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एड फैक्ट्री ओवरहेड, कितना फैक्ट्री ओवरहेड, 1,00,000, इनर कॉलम में 1,00,000। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा कितना था, 8,30,000। एड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, कुछ काम काज, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी दिख रही है क्या, है इधर डब्ल्यू आई पी, देखो वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वाली कितनी है, 12,000, क्लोजिंग, तो एड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी लेस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग 12,15, एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, तो मिलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना, नेट फैक्ट्री कॉस्ट नहीं 3,000, नहीं इसमें ऐड करना पड़ेगा, 8,30,000 में 12 और -15 करके, 8,27,000, ये 8,30,000 में 12,000 ऐड और 8,30,000 में 15,000 माइनस, तो 8,27,000। अभी क्वेश्चन ने खुद बोला था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आते थे, देखो कॉस्ट शीट के अंदर, हाँ यहाँ पे अपन ने नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड किए, तो अपने को ऐड करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, लिखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कितने दिए खर्चे, 50,000, इनर कॉलम 50,000,
इनर कॉलम 50,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 8,77,000, 8,77,000। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना है देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, 90,000 एंड 1,10,000। कितना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 8,57,000, 8,57,000। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। कितना है? 25,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स 8,82,000, 8,82,000। सेल्स कितने में हुआ है? 10 लाख। तो पहले एड प्रॉफिट लिखो, एक लाइन छोड़ के 10 लाख सेल्स लिख दो, एड प्रॉफिट फिर सेल्स 10 लाख। कितना था प्रॉफिट बोलो? 1,18,000 प्रॉफिट। समझा? तो जैसे एक वर्टिकल फॉर्मेट, जैसे पेंडल बनाते थे, पेंडल ही चाहिए पर वर्टिकल फॉर्मेट में एक 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 करके आइटम एडअप होते जाएंगे, अल्टीमेटली तुमको एक टोटल कॉस्ट मिलेगा और उसमें से तुमको सेल्स माइनस करके प्रॉफिट निकालना है। इतना ही इजी है एक्चुअल में। ऐसे अपन करेंगे 10-15 क्वेश्चन तो तुमको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। समझा? चलेगा, आज के लिए इतना ही, विल स्टॉप इट हियर।